घर आने वाले हिमाचलियों को 7 दिनों के लिए होना होगा क्वारंटाइन। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व सीएम जयराम ठाकुर ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने लोगों से आग्रह किया कि कोरोना के दूसरे स्ट्रेन को हल्के में न ले। इस वायरस की मृत्यु दर काफी अधिक है, इसलिए SOP का पालन करते रहे, सामाजिक दूरी बनाए, मास्क पहने और सफाई बनाए रखे। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के लोग जो बाहर रह रहे हैं वो घर आ सकते हैं, उनके लिए आने में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उन्हें 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन रहना होगा। इसके बाद अगर उनको लगता है कि वो ठीक हैं तो वो काम कर सकते हैं। इसमें देश के कई राज्यों में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसलिए सभी को एहतियात बरतना जरूरी है। सीएम ने कहा कि प्रदेश के आर्थिकी को नुकसान ना हो, इसलिए बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों पर कोई रोक नहीं लगाई गई, लेकिन होटलियर एसोसिएशन के लिए SOP जारी की गई। वो उसके तहत उनके होटलों में आने वाले पर्यटकों की जांच कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वो अपने होटलों में काम करने वाले स्टाफ के लिए भी एहतियात बरत सकते हैं। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा लगाई गई बंदिशों पर कहा कि हालांकि बाहर से आने वालों के लिए कोविड रिपोर्ट लाना जरूरी होगा, इसके बावजूद प्रदेश की सीमाओं पर पर्यटकों और अन्य लोगों को रोका नहीं जाएगा। अगली खबर, अब 2 किलोमीटर के दायरे में खुल सकेगा डिपू, अधिसूचना जारी। हिमाचल में अब 2 किलोमीटर के दायरे में डिपू खोलने का रास्ता साफ हो गया है। हिमाचल खाद्य आपूर्ति विभाग ने नया डिपू खोलने की नई गाइडलाइन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। यही नहीं, विभाग ने नया डिपू खोलने के लिए अब जनसंख्या की शर्त को भी पहले से कम कर दिया है। पहले नया डिपू खोलने के लिए 1500 की जनसंख्या की शर्त थी, अब इसे खत्म कर 1000 कर दिया है, यानी अब 1000 की आबादी पर भी डिपू खुल सकेगा। लोगों को घरों के पास सस्ता राशन उपलब्ध करवाने के मकसद से नया डिपू खोलने के लिए गाइडलाइन में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। हिमाचल में नई बनी पंचायतों और नगर परिषदों के गठन के चलते डिपू खोलने की गाइडलाइन में बदलाव का फैसला लिया गया था। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कैबिनेट की बैठक में इस पर मोहर लगी थी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसकी अधिसूचना जारी होनी शेष थी, आज विभाग ने इसे अधिसूचित कर दिया है। अब प्रदेश में लोगों को घरों के पास ही राशन मिल सकेगा, साथ ही बेरोजगार लोगों को रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। नई गाइडलाइन के अनुसार खाद्य आपूर्ति विभाग नया डिपू खोलने के लिए जल्द प्रक्रिया शुरू करेगा, इसके लिए आवेदन भी मांगे जाएंगे। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि अब नई गाइडलाइन के लागू होने के बाद लोगों को सस्ता राशन लेने के लिए घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा। नया डिपू खोलने के लिए जल्द प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की रोजाना नई खबरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।